YouTube, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग वेब स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइजेमिनल की सेकेंड ब्रांच जिसका नाम है मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो वीडियो ट्राइजेमिनल की और बना रखी हैं जिसमें हमने ऑप्थैल्मिक को डिस्कस करा है और उससे पहले वाली इंट्रोडक्शन टू ट्राइजेमिनल नर्व हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो ना देखी हो तो पहले जाकर आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जिसका नाम है मैक्सिलरी। ठीक है, तो मैक्सिलरी जो है इसमें हमारी चार ब्रांचेस होती हैं जिनका नाम है जाइगोमैटिकोफेशियल, कोर्डोनेजल, पोस्टीरियर पैलेटाइन एंड एंटीरियर पैलेटाइन। तो आगे हम इसी वीडियो में ये देखते हैं कि ये कहां कहां पर जाती हैं और ये किसे सप्लाई करती हैं। ठीक है, मैक्सिलरी की सारी ये चारों ब्रांच किसे सप्लाई करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी मैक्सिलरी नर्व है और इसके बाद अब हम इसका कोर्स देखेंगे। कोर्स का मतलब ये कहाँ से कहाँ पर जा रही है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैक्सिलरी नर्व जो है ये सेंसरी इन नेचर होती है, जैसे कि हमारी ऑप्थैल्मिक भी सेंसरी इन नेचर थी और ये भी सेंसरी इन नेचर होती है और ये लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट ऑफ दी थ्री डिवीजन, मतलब कि इन तीनों डिवीजन में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नर्व है ये हमारी पास करेगी फोरामेन ऑफ ऑर्बिटर रोटंडम। ठीक है, ये यहाँ पे फोरामेन ऑफ ऑर्बिटर रोटंडम से पास करेगी, उसके बाद ये एंटर कर जाएगी टेरेगो पैलेटाइन फोसा के अंदर। टेरेगो पैलेटाइन फोसा के अंदर एंटर करने के बाद ये पहुँचेगी कहाँ पर, ये पहुँचेगी मैक्सिलरी हिएटस पे। ठीक है, मैक्सिलरी हिएटस पे ये पहुँच गई। उसके बाद मैक्सिलरी हिएटस पे पहुँचने के बाद ये एंटर कर जाएगी इन्फ्रा ऑर्बिटल कैनाल के अंदर। इन्फ्रा ऑर्बिटल कैनाल ये रही और ये एंटर कर गई इसके अंदर। उसके बाद ये इन्फ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से बाहर निकलेगी और मेन ट्रंक कंटिन्यू करेगी एज अ इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व। इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व क्यों, क्योंकि इन्फ्रा ऑर्बिटल कैनाल के अंदर चल रही है। ठीक है, और वहाँ पर ये सप्लाई कर देगी नॉस्ट्रल्स को और अपर लिप को। ये तो हो गया मेन नर्व की कहानी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये इन्फ्रा ऑर्बिटल जो कैनाल है उसके अंदर ये हमारी कुछ एल्वियोलर ब्रांचेस देती है और ये एल्वियोलर ब्रांचेस जो हैं ये सप्लाई किसको करेंगी, ये सप्लाई करेंगी अपर चीक टूथ को। ठीक है, अब ये तो हो गई मेन ट्रंक की कहानी। अब क्या होता है, टेरेगो पैलेटाइन फोसा के अंदर ये चार ब्रांचेस देती है जिनका नाम है जाइगोमैटिको फेशियल, कोर्डोनेजल, पोस्टीरियर पैलेटाइन एंड एंटीरियर पैलेटाइन। ठीक है, तो जो जाइगोमैटिको फेशियल है ये क्या करेगी, ये एंटर कर जाएगी ऑर्बिट के अंदर, आई ऑर्बिट के अंदर, और वहाँ पे लेटरल वॉल से पास करेगी और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किसको सप्लाई देगी, लोअर आईलिड को, और किसको देगी, आसपास की स्किन को सप्लाई दे देगी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कोर्डोनेजल। कोर्डोनेजल जो है ये हमारी स्मॉल ब्रांच होती है और ये पास करेगी टेरेगो पैलेटाइन फोरामेन में। ठीक है, टेरेगो पैलेटाइन फोरामेन में पास करते हुए ये नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है उसे सप्लाई दे देगी। उसके बाद आती है हमारी पोस्टीरियर पैलेटाइन। पोस्टीरियर पैलेटाइन जो है वो सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई देगी और जो हमारी लास्ट है उसका नाम है एंटीरियर पैलेटाइन, और एंटीरियर पैलेटाइन सप्लाई देगी हार्ड पैलेट को। ठीक है, हार्ड पैलेट प्लस गम्स ऑफ अपर जो, इन सबको सप्लाई देगी। तो ये तो था हमारा कोर्स कि कहाँ से कहाँ पर जा रही है। ठीक है, अब एक बार हम डायग्राम में भी देख लेते हैं कि इसके एग्जैक्ट जाती कैसे है। तो देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ऊपर वाली ऑप्थैल्मिक थी जो मैंने पिछली बार डिस्कस कर चुका हूँ, अब ये नीचे वाली है हमारी मैक्सिलरी बी। ठीक है, मैक्सिलरी मतलब मैक्सिलरी जो हमारी मैक्सिला बोन है उससे रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइगोमैटिको फेशियल, ऊपर वाली उसके नीचे है कोर्डोनेजल, फिर उसके बाद क्या है जो इन्फ्रा ऑर्बिटल जो है ये हमारी अपर लिप को दे रही है सप्लाई, और एल्वियोलर वाली अपर चीक टूथ को दे रही है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पैलेटाइन है, पोस्टीरियर पैलेटाइन है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स हो गया। ये थी हमारी मैक्सिलरी नर्व और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मैंडिबुलर नर्व जो कि मैंडिबल पार्ट को पूरे को सप्लाई देती है। तो होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।